मेरा भाई चला गया, इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आज 3 दिन हो गया एक्सीडेंट हुए को, कोई पर्चा दर्ज नहीं मेरा। 200-250 बंदे इकट्ठे हुए उत्थे थाने ते, ता जाके ब्रजवीर सिंह ने गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया उसे मुंडे का, और लड़के को हाँ अभी अरेस्ट करके लेके। छोटी उम्र का लड़का है? लड़का छोटी उम्र का, 15-16 साल का लड़का है। तो उसके माँ बाप के ऊपर नहीं? माँ बाप के ऊपर भी पर्चा दर्ज होना चाहिए कि बगैर लाइसेंस की गाड़ी कैसे उसको पकड़ा। हाँ। गरीब आदमी थे इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी। अगर आपने दबाव डाला तो आपने तब जाके कार्रवाई? हाँ, सारी जनता एक साथ गई है तब जाके, सारी पब्लिक ने दबाव डाला तब जाके कार्रवाई हुई है। 1 लाख देने की बात करता, 1 लाख दी इन्होंने परिवार तो सर जाऊगा। स्वागत है, मैं विशाल कपूर। डिब्बा रोड एक एक्सीडेंट होया, तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक शख्स की जान ले ली, उस शख्स का अज क्रिमेशन है, लेकिन परिवार के हालात देख सकते हो कि उन्होंने जो मदर है उन्होंने हालात देख सकते हो। इंसाफ मिला, इंसाफ मिला बेटा, इंसाफ मिला? नहीं मिला। पर्चा हो गया? हो गया पर्चा, बाकी भी इंसाफ नहीं मिला है। नहीं मिला, नहीं मिला। ये बच्चा देश है। मेरा भाई चला गया, इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ मिलना चाहिए। किसके भरोसे रहेंगे सब? मेरा जवान भाई चला गया। मैं तुम्हें गुड्डी दिखा रहा, जी कल आप गुड्डी दिखाई थी, हालात देख सकते गुड्डी के, कि गुड्डी के हालात ने कि बेचारी 9वीं क्लास से पढ़ती है कि प्यो सिर ते नहीं रहा, इस बच्ची के प्यो सिर ते नहीं रहा। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या बना, क्या क्या हुआ, क्या आगे? एक्सीडेंट हुआ था सर, जिसमें कोई वो पर्चा दर्ज अभी किए हैं, आज 3 दिन हो गया एक्सीडेंट हुए को, कोई पर्चा दर्ज नहीं हो रहा था। कि बगैर लाइसेंस की गाड़ी कैसे उसको पकड़ा दी, लाइसेंस उसके पास है नहीं और गाड़ी पकड़ा दी है वो लोग। पुलिस से आपने बात की? पुलिस से बात हुई है, लेकिन तो वो लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अभी प्रोटेक्स हुआ तो पर्चा दर्ज हुआ, कह रहे हैं कि हम कर दे रहे हैं। सारी पब्लिक एक साथ जुट होके गई है तब जाके कार्रवाई हुई है। नहीं तो कार्रवाई नहीं होनी थी। नहीं तो कार्रवाई नहीं होनी थी। गरीब आदमी थे इस करके कार्रवाई नहीं होनी थी। हाँ, गरीब आदमी थे इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी। अगर आपने दबाव डाला तो तब जाके कार्रवाई? हाँ, सारी जनता एक साथ गई है तब जाके, सारी पब्लिक ने दबाव डाला तब जाके कार्रवाई हुई है। तब कौन सा प्रधान था जो उसकी आप बात कर रहे थे, वो प्रधान कौन है? नहीं नहीं, जो उसकी सपोर्ट कर रहा था उधर से, उधर से सपोर्ट एक कपूर, क्या नाम उसका, अरे चलो प्रधान को इतना नहीं पता कि बच्ची की जिंदगी क्या रह गई है, वो कर रहा था उसका सपोर्ट है ज्यादातर तो। लेकिन उन्होंने जो मिसिज ने, जो प्रेगनेंट ने, वो भी इतने आगे हुए ने, तस्वीर है ते माँ कल भी अपना हुई कार्रवाई बहन? कोई सारा नहीं है भैया, एक लड़की है। पुत इंसाफ की चाहती है, पुत पर्चा हो गया अरेस्ट होगी, इंसाफ की चाहती है। सारे हमें चाहिए। प्रधान कौन है? प्रदीप चोपड़ा। प्रदीप चोपड़ा, हाँ। क्या कहता, क्या था वो? वो कहता कि भाई जो भी है अपना मैनेज करा लो, 1 लाख देने की बात करता, 1 लाख दी इन्होंने परिवार तो सर जाऊगा। कि उसके अंदर इंसानियत नहीं है? इंसानियत नहीं है। ते बच्चे रोंदा देख लेगा वो? वही तो मैं कहा, मैं कहा अपने घरे भाणा वापरूगा फिर की करेगा? ताही क्या, मैं कहा तुसी एक बारी करे चल चलो, ओदे परिवार नु वेखो, ओदे कुड़ी नु वेखो, फिर जाके गल दसो जे तुसी की कर सकदे ओदे वास्ते। तुसी 1 लाख रुपए मोल ला दिया एक इंसान दे जान दा। मैं कहा भाजी तुसी चलो एक बारी देख लो, फिर दसो। तुहानू लगदा कि जेड़ा टीनएजर सीगा ओ वी पर्चा दर्ज होना चाहिदा? पर्चा तो दर्ज ही होया, पर्चा दर्ज होना चाहिए। प्यो 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 ना प्यो दे नाल भी दर्ज होन। मैं सचो सामने गल कीती है बैठ के, रामचंद्र सिंह जी सिगे सारे कुदे, मैं जदों आया है मैं सचो नाल बैठा सी। मैं क्या कहंदे दे प्यो नाल नहीं तो मैं क्या क्यों नहीं होगा, जदों ये टीनेजर है इन्हें गड्डी क्यों दिती अपने मुंडे नूं? मैं क्या इहदे नाल भी पर्चा दर्ज होगा ताहीं आपां जाएंगे। हाँ,
अच्छा, अभी फिर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने उसके प्यो को भी बिठा रखा है, हम अपा अभी दाह संस्कार करके फिर जाके देखेंगे उसका प्यो हैगा नहीं हैगा, फिर अपा सचो भरत वीर नाल गल करेंगे। हाँ, मतलब परिवार ना जाऊ, बच्चा ना जाऊ, परिवार जो लोड पेगी फिर मैं नहीं जाऊंगे, साढ़े में होता नहीं है, लेडीज नहीं जाती। मासूम वेखो सारे देखो, अगर तुसी अगर तुसी कट्ठे ना होंदे कार्रवाई गिरफ्तारी नहीं होनी सी ना, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। अगर तुसी अपना जोर दिखाया कार्रवाई होगी, 6 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज हम लोग गिरफ्तारी ता हुई है जब अपा 200 250 बंदे इकट्ठे हुए उथे थाने ते ताँ जाके ब्रजवीर सिंह ने गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया मुंडे का। हाँ, और जेडी धारा लगनी थी उन्होंने लाया नहीं, जो धाराएं लगनी थी वो वाली। हाँ, वो नहीं लगी है, नहीं लगी, नॉर्मल लगाए हैं, वो 2 दिन में छोड़ देंगे उसको, वे छोड़ते नहीं है। 106 को 304 जो पहले एक्सीडेंटल होता था ना, 304 कहते थे इसे, उसे 106 कर दिया बीएनएस में, पहले आईपीसी में 304 होता था, बीएनएस में 106 है। ठीक है जी, तो हम लोग को पता नहीं था, इसलिए हम लोग को सोचे वही पुरानी धारा है, इसलिए हम लोग मान गए। अब हम लोग का भी पता चला, उन लोग तो केस चलाना चाहिए जो लगती है, वो लोग खुद ना इंसाफी किया हम लोग के साथ। टीनेजर वाला पर्चा दर्ज कराओगे? हाँ जी, मैं थाने गया था सचो नाल, मैं बैठा था रामचंद्र जी से, तो एक राम सूरत प्रधान सीगा, ओदा भी मुंडा बंदा सीगा, वो प्रदीप चोपड़ा, अपा बैठे थे नाल ही, जब 200-250 बंदे इकट्ठे हुए ता जाके भरतवीर सिंह ने गिरफ्तारी का ऑर्डर दिता है। हूँ मैनू दिलासा दिता है कि मैं ये नाल पर्चा दर्ज कर दिया, प्यो नाल अभी नहीं करूँगा, उन्होंने ऐसे ही बिठाया। मैं कह गया हूँ, मैं क्या भाई जी ये नाल भी इस प्यो के नाम भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। हूँ अभी क्रियाक्रम करने के बाद हम जाएंगे सब लोग, उसके प्यो नाल भी कराएंगे, क्या करना। बिल्कुल, ये परिवार है जो तुम पीछे दिखा रहे हो उस मासूम को, क्या है कि भाई तुसी अगर कुछ भी सोचते हो तो पहले एक बार देख लो चल के, देख के फिर जो भी सोचना समझना है, जो भी बोलना फिर बोल लो। बिल्कुल, वो मासूम बच्ची का की कसूर है जी 9वीं क्लास पढ़ती थी घर वाली। ठीक हो? हाँ ठीक है सर। सर वो जिहड़ा जे टिब्बा रोड के उत्ते जिहड़ी होई सीगी मोटरसाइकिल दी फेंट होई सीगी, उहदे च मुकदमा दर्ज कर दिता गया? हाँ जी, मुकदमा दा दर्ज हो गया होया सर, कुलविंदर भाजी अरैसट हो गई हुई है, अरैसट पा ली अज। सर यह भी दसा जा रहा कि जो मोटरसाइकिल मुंडा चला रहा है वो टीनएजर है? हाँ जी, नाबालिग है। नाबालिग है सर, जिदा 1 तरीक तो लॉ जो आया वह मुकदमा भी दर्ज होगा? हाँ जी, मुकदमा नहीं वो सजा, मुकदमा तो जो धारा नवी आई है उन्होंने तहत होगा, जो इन्होंने जवाना होना वो जज ने करना सारा कुछ, जो भी करना, क्योंकि ये जो नवा कानून आया सी भी किया मापिया के भी मर्चे दर्ज हो गए, अगर टीनएजर कोई मोटरसाइकिल देंदा मापे भी कर देना, होगा तो मापे दर्ज कर देना। कर प्रैगनेंट सी की कसूर से, लेकिन लख रुपये खरीदने की कोशिश की जाती है कि लख रुपया ले लो फैसला कर लो, लेकिन इंसानियत है कितने है कि उस टीनएजर के परिवार के उत्ते भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो टीनएजर उन्होंने दिता सी मोटरसाइकिल चलाने से, जिस कारण एक शख्स की मौत हो गई, मौत भी इन्नी तगड़ी हुई कि एक्सीडेंट इन्ना तगड़ा सगा कि एक सीधा ही मोटरसाइकिल के हिट करता है, तो उसका जोड़ा PGI के दम तोड़ देता, लेकिन परिवार जो धरना प्रदर्शन करता है थाने टिब्बे के बाहर, फिर जाके पुलिस जी है कार्रवाई करती है। हम देखते हैं कि टीनएजर का मुकदमा दर्ज होंगे कि नहीं होंगे, कहना मैं हनी के नाल विशाल कपूर।